400 पार, 400 पार आपको लग रहा था कि 400 पार का माहौल है 400 तक ब्रजेश जी, क्योंकि आप लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए, इसके अलावा वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ गए, लोगों से बात की, आपको ग्राउंड में ये लगा जो आंकड़े बता रहे हैं? नहीं, ग्राउंड में तो लग रहा था कि कोई बहुत बदलाव लग नहीं रहा था, क्योंकि जो एक मैं आपको एक बार बताऊंगी अनिल जी कि जो जिस तरीके से हम लोगों ने पुराने चुनाव भी देखे हैं, पुराने चुनाव में क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था, फ्लोटिंग वोटर्स, एक मतदाता था जो आखिरी मौकों पे मन बनाता था और वो जो मन बना लेता था उससे चुनाव जीत जाते थे, मगर पिछले दो चुनाव से ये हो रहा है कि वो फ्लोटिंग वोटर्स गायब हो गया है। अब एक बड़ा वोटर का चंक है महिलाओं का, वो महिलाएँ इंटैक्ट रहती हैं बीजेपी के साथ, महिलाएँ इंटैक्ट रहती हैं शिवराज सिंह के साथ, महिलाएँ इंटैक्ट रहती हैं मोदी के साथ, तो एक बड़ा चंक बीजेपी को अपने आप मिल रहा है और बीजेपी ने लगातार महिलाओं के बीच में काम किया और लगातार काम। एक मैं आंकड़ा देख रहा हूं बहुत चौंकाने वाला है, वो चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि बीजेपी ने 21 लोकसभा केंद्रों से 1,64,00,000 फोन किए और महिला 22,000 महिला कॉल सेंटर बनाए। अब देखिए कैसे जमीन तक बीजेपी ने काम किया, जमीन तक पेनिट्रेट किया, अपने काम याद दिलाए, तो जो अपने काम याद दिलाए वो लोगों को काम याद रहे, इसलिए कुछ और कुछ बीजेपी माने जनता ने कुछ सोचा ही नहीं है इन एग्जिट पोल के नतीजों को देख के ऐसा लग रहा है। महिलाओं की बात जब आप कर रहे थे और महिलाओं का सम्मेलन भी हुआ था मुझे याद है, और उसमें मध्य प्रदेश में हुआ था, मैं गलत तो नहीं हूँ, मध्य प्रदेश में हुआ था। मैं ये जानना चाहता हूँ सबनानी जी आपसे कि बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ के मंत्री बन गए हैं और बहुत सारे लोगों को आप लड़ा रहे हैं, सरकार मध्य प्रदेश में बनी और मुखिया आपके पूरे देश में घूम रहे हैं, वो चुनावी ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, तो अब जो है मध्य प्रदेश की रफ्तार डबल इंजन की सरकार आंकड़ों में तो बनती दिखाई दे रही, मध्य प्रदेश की सियासत में कितना बदलाव आने वाला है? यानी जी डबल इंजन की सरकार है और वो लगातार चलने वाली, ये अभी के एग्जिट पोल भी बता रहे हैं और एक्चुअल जो परिणाम आएंगे वो भी 4 तारीख को होंगे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी नई लीडरशिप को आगे बढ़ाती है और हर स्तर पर हम बूथ से लेकर शक्ति केंद्र मंडल जिला और प्रदेश तक में जहाँ संभावना जिस कार्यकर्ता की होती है कार्यकर्ता के कार्य के आधार पर उसका मूल्यांकन करके पार्टी आगे बढ़ाती है और नए कार्यकर्ता एक अंदर की बात ये भी है कि आप लोग अब पैसा भी देने लगे हैं कार्यकर्ताओं को, झूठ बतोलेगा ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मुझे एक कार्यकर्ता ने कहा कि बैंक अकाउंट लेने लग गए हैं, बैंक अकाउंट ले गया और उसमें पैसा भी आ रहा है, तो अब कार्यकर्ता क्या आपके ये बिल्कुल गलत समाचार है, कोई अकाउंट लेकर के उसको पैसा देने का काम बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आधार पर एक सिद्धांत पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो काम करता है और चुनाव के समय जो प्रत्याशी को जो भी मदद पार्टी की तरफ से होती है और उस पर प्रत्याशी किस तरह से नीचे कार्यकर्ता को सहयोग करता है कि नीचे का काम हमारा सुचारू रूप से हो, केवल इतना, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं।